डॉक्टर पद्मश्री हैं, हमारे चहेते हैं, आदरणीय हैं और बहुत ही हास्य के सम्राट हैं साहब। मैं तो पहली बार जब इनसे मेरे बारे में कह रहे थे कि जब तक चश्मा ये चश्मा मत लगाया करो, मैंने भी शुरुआत में जब इनसे मुलाकात की, शुरू शुरू में जब इनके घर गया, इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सिकरवार जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा हुजूर ये भतीजा है तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। अच्छे कवि साहब, ईमानदारी से ये तो मनोविरोध की बात थी, इसने बोल दिया वास्तव में ये अच्छे कवि है। मैं बिना किसी भूमिका के अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, जो कि एक निश्चित समय में हमें पूरी टीम को काव्य पाठ करना है, बड़े बड़े कवि हैं और आप ये समझ रहे हैं साहब, ये 2000 के नोट हैं, पुराना फटा हुआ 10 का नोट समझिएगा मुझे, लेकिन आजकल मार्केट में जितने भी नकली आ रहे हैं वो सब बड़े नोट आ रहे हैं। हाथ उठाकर ताली बजाइए, ये तो बहुत अच्छे साहब, प्रणाम करता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, आपका मन टटोलता हूँ। आदरणीय सिर्फ मनोविरोध के लिए चर्चा है, बाकी तो मैं आपकी अगवानी के लिए ही खड़ा हूँ। और पहला कवि जब खड़ा होता है तो तालियां किस तरह बजाई जाती है और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं शुरुआत करता हूँ। फिर कहता हूं आपको भाई साहब एक बार कि सुनो।